क्या पाकिस्तान में मुझ जैसा आम शहरी एक इलेक्शन लड़ सकता है? जी बिल्कुल लड़ सकता है, ख्वाह वो किसी पार्टी से लड़े ख्वाह वो इंडिपेंडेंट लड़े, अलाउ है। इलेक्शन लड़ने के लिए MNA के 30,000 रुपये एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको इलेक्शन कमीशन में जमा करवाने पड़ते हैं। वो 30,000 रीइम्बर्स भी हो जाते हैं, उनको सिर्फ रीइम्बर्स होते हैं कि टोटल वोट्स में से अगर आपको 1/4 पड़ गया, यानी कि 4 लाख वोट्स में से 1 लाख वोट आपको पड़ गया, तो आपके वो भी 30,000 वापस हो जाते हैं, वरना वो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होते हैं रीइम्बर्स नहीं होते। मेरी पूरे पाकिस्तान में तमाम तर जो अच्छे लोग हैं, बासलाहियत लोग हैं, उनसे अपील है कि वो कोशिश करें, अगर उनके अंदर अल्लाह ने, हमारे अल्लाह पाक ने क्रेडिबिलिटी अगर रखी है तो वो ज़रूर आगे आएं। देखें, कभी भी यूं ही हम अपनी कौम को ऐसे लवारिस नहीं छोड़ सकते। 1947 याद करें, हमारे आबाऊ अजदाद ने कुर्बानियाँ दी थी, आपको कदम उठाना पड़ेगा, लेकिन हमें एक कौम बनना होगा। पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि पंजाबी, सिंधी, बलोची, सराइकी, पख्तून, गिलगित्ती, कश्मीरी, हम इसमें बढ़ चुके हैं। हमें बढ़ना नहीं है, कश्मीरी हो, गिलगित्ती हो, पंजाबी हो, सिंधी हो, बलोची हो, पठान हो, कश्मीरी हो, कोई भी हो, हमें मिलके एक दूसरे के साथ रहना है, एक अच्छी मजबूत तरीन रियासत पाकिस्तान को बनाना है। इसके लिए अगर आपको लगता है कि हम इस काबिल हैं, आप हमारा साथ दे सकते हैं। अगर लगता है कोई और शख्स काबिल है, आप उसका साथ दे सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि ईमानदार लोगों को पाकिस्तान में, इक्तदार में उन लोगों को लाएं, ताकि हमारा और हमारे आने वाले लोगों का भला हो सके।